आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का, खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह हम एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हैं। इस दफा हमारा कुछ दिल चाह रहा था चाइनीज खाने का, इसलिए आज हमने आपको चाइनीज रेसिपी सिखानी है। और आज हम आपको बड़ी जबरदस्त सी चिकन चिली की रेसिपी सिखा रहे हैं। बहुत सिंपल होती है, बहुत यमी होती है, बहुत मजेदार होती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करते हैं, तो अभी आपको स्क्रीन पर उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स नजर आएंगे। आइए रेसिपी की तरफ। रहीम विवर्स, मजेदार सी चिली चिकन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने चिकन ली है, 1 किलो के करीब चिकन है, और मैंने इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में कटिंग करवा लिया है। सही है, उसके साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून जो है चिली सॉस लिया है, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, और ये मेरे पास लेमन जूस है, अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। एक अंडा डलेगा इसमें, इसके अलावा काली मिर्च डलेगी अपने टेस्ट के मुताबिक, अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून। दोनों हैं तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर पेस्ट यूज़ किया है। इसके साथ ही अपने टेस्ट के मुताबिक नमक यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा और कुटी हुई लाल मिर्च है। आइए मैरिनेशन स्टार्ट। हम इसमें एग डाल देंगे, एग के साथ ही हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, चिली सॉस के साथ नमक डाल दिया आपने, कुटी हुई लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन जूस है, और आखिर में कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा। विवस, कॉर्नफ्लोर का तरीका यह है कि अभी हम थोड़ा डालते हैं, और जब हम इसको फ्राई करने जाते हैं तो उस वक्त हम इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते हैं, और थोड़ा सा ऑयल डालिएगा। अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। ये देखिए विवस, अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके ज़रा अपने टेस्ट के मुताबिक इसे चख लीजिएगा कि नमक मिर्च तमाम चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। ये देखिए विवस, हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो अच्छे से मैरिनेट हो गई है, और ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको फ्राइंग का प्रोसेस, लेकिन फ्राइंग से पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्राई करने से पहले थोड़ा सा हल्का हल्का सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि ये मजीद जो है क्रिस्पी हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए विवस, ऑयल रख दिया है, अब अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, और थोड़ा लो फ्लेम पे ही कीजिएगा। ये देखिए विवस, अच्छे से चिकन फ्राई हो रही है। अब मैं आपको चिकन पूरी फ्राई करके फिर दिखाती हूँ। विवस, चिकन अब हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका लास्ट स्टेप करते हैं, और इसकी ग्रेवी बना के बताते हैं। चिकन चिली के लिए सबसे पहले आप चॉप लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे, और ये मैंने वही ऑयल लिया है विवस जो मैंने जिसमें चिकन को फ्राई किया था। सही है, थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर दीजिए। लहसुन जो है लाइट ब्राउन होने लगे हैं, अब हम थोड़ा सा इसमें ये डालेंगे, चिलीज डालेंगे। सही है, थोड़ा करेंगे, और थोड़ी सी मैं चिलीज को ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये जो हमने रेडी की थी ये डाल दिया आपने, इसमें चिकन डाल दिया। चिकन के बाद आपके सबसे पहले हम डालेंगे थाई स्वीट चिली सॉस। ये बहुत अच्छा सॉस होता है, और इसी से ज़्यादा टेस्ट इसका डेवलप होता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ये ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और इसके साथ ही चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। और ये मेरे पास डार्क सोया सॉस है, ये मैं बहुत कम यूज़ करूँगी क्योंकि ये ब्लैक कर देता है बहुत, लेकिन टेस्ट आता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मैं इसको यूज करूंगी, ओनली 1 टेबल स्पून। उसके बाद आप देखें सिरका डालेंगे हम थोड़ा सा, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर रिक्वायर्ड हो आपको ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो काली मिर्च यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। और आखिर में मैं ये डाल रही हूँ, इसमें मैंने चिकन स्टॉक बना के रखी हुई है, ये डाल रही हूँ। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैं चिकन स्टॉक को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी। अभी इसमें एक जैसे ही बॉईल आएगा उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी।
ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल हमारा चिकन चिली जो है लास्ट स्टेज पे, और यकीन कीजिए बड़ा जबरदस्त बनता है। आप देखें इसका टेक्सचर ही कितना अच्छा है। अगर आप नहीं चाहते इसमें कॉर्नफ्लोर डालना तो मत डालिए, बिल्कुल इस वक्त रेडी टू ईट है, लेकिन जरा सा थिक करने के लिए मैं इसमें डालूंगी, वरना ये कोई नीड नहीं है उसमें। बिल्कुल हल्का सा मैं डालूंगी इसमें, ज्यादा मुझे इसका नहीं चाहिए कि बहुत थिक नहीं चाहिए। देखिए व्यूअर्स, चिकन चिली बिल्कुल रेडी टू ईट है, बहुत जबरदस्त है, बहुत यमी सा है। जरूर ट्राई और पसंद जरूर कमेंट कीजिएगा, एंड एज यूजुअल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फूड गिल विद हिरम, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।